भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। ऐसे वो लड़का कहकर गया, बाला को ये सच लग रहा है लेकिन करुणा को ये गलत लग रहा है, और अब बाला ये कह रहा है कि वो करुणा के साथ नहीं रहेगा। बाला भैया ये हाँ बाला भैया दोनों पक्ष को सुने भी नहीं लेकिन फिर भी बाला भैया कहकर शुरू हो गए। लेकिन बाला भैया करे तो करे क्या, क्योंकि वो तो है ही बेवकूफ, समझाना शुरू कर दिया। भीम तुम महान हो, सबसे महान, आखिर हमारी जाति का पहला व्यक्ति है जिसने ग्रेजुएशन की परीक्षा दी है, फिर तो तुम महान ही हुए ना। लो क्या कर रहे बाला भैया, अरे मैं भी तुम पर फूल बरसा रहा हूं। लो अरे ये तो कम हो गए ना, ये लो और लो लो। लेकिन इस मामले में तुम मुझे नहीं समझाओगे। ये मेरे और करुणा के बीच का मसला है, करुणा खुद देख लेगी उसे क्या करना है, मगर ये इस घर में नहीं रहेगी। भीम तुम ना बड़े बदनसीब हो, मनुष्यत जुड़ी है तुमसे, जब भी तुम्हारे जीवन में कोई अच्छा मौका आता है कुछ ना कुछ बुरा हो ही जाता है। और हाँ मैंने सुना है इस परीक्षा में तुम बहुत नंबर लाने वाले हो, तो इसी नंबर से बाला और करुणा का रिश्ता भी खरीद लो। कहते रहते हो ना मैं सबके लिए पढ़ता हूँ सबके लिए पढ़ता हूँ, तो हम भी तो देखें कि तुम्हारी ये पढ़ाई बाला और करुणा के कितने काम आती है। कर लो समय तो अच्छे से कर लो शुद्धिकरण, बाला ने छुआ है तुम्हें, शुद्धिकरण कर लो फिर हम तुम्हें पैसे दे देंगे और यहाँ से कहीं दूर चले जाना। लेकिन बाबा परीक्षा तो पूरी हो गई, वो भीमराव पास कर जाएगा और हम क्या ऐसे ही देखते रह जाएंगे। पूछो पूछो अपने भाई से, इसी ने कहा था ना कि बाबा जान दे दूंगा पर भीमराव को परीक्षा पूरी नहीं करने दूंगा, पूछो इन सब क्या हुआ। हाँ कहा तो था लेकिन सब कुछ करने के बाद भी वो भीमराव हमेशा बच गया, और ताज्जुब की बात तो ये है कि हमारी एक योजना भी सफल नहीं हो पाई। तो सीखते सुमित से, इसी से कुछ सीख लेते कि कैसे अपने काम में सफल होते हैं। देखो इसे मार खाने के बाद भी इसने अपना काम पूरा कर लिया, और एक तुम, अरे इसी से पूछ लेते कि हम क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए। सुमित अभी भी कोई रास्ता बचा है जिसे हम भीमराव को फेल करा सकें? बचता है एक रास्ता। क्या? पहले मैं नहा लूं
शुद्धिकरण संपन्न कर लूं, फिर बताता हूं मालिक। ठीक है ठीक है। तुम बैठे बैठे सोच क्या रही? उठो और निकलो यहां से। साला, तुम क्या बोल रहे हो, इसका अंदाजा भी है? नहीं, बिल्कुल अंदाजा नहीं। आप एक काम क्यों नहीं करते, मुझे ही यहां से जाने के लिए कह दीजिए। या तो आप मुझे यहां से निकाल दीजिए या मैं इसे निकालता हूं। मुझे लगता है करुणा को अभी यहां से चले जाना चाहिए, फिर मसला जब छान बीन कर साफ हो जाए फिर बात कर लेंगे। अब जब उठ गई हो तो दोबारा घर के अंदर मत जाना, एक पल भी यहां मत रुकना। निकलो यहां से। भाभी, भाभी आप यहां से कहीं नहीं जाएंगी। हाँ, ये घर आपका भी है, पर पति के कहने पर पत्नी को ऐसे घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए। क्या करना चाहिए मुझे आई, फिर से बताइए ना। अभी तो कहा तुम्हें चले जाना चाहिए। लेकिन मैं कहीं नहीं जाऊंगी। और ना ही मैं अब और कोई सफाई दूंगी, क्योंकि तब से समझा कर, रोक कर, बोल कर, चिल्ला कर खुद को बहुत साबित कर लिया मैंने, लेकिन अब और नहीं। और आई, मैं जानती हूं वो लड़का, पता नहीं नाम क्या कहा था उसने, सुमित। आपको कैसे पता उस लड़के का नाम सुमित है? बस चल गया पता। अब क्या तुम वकील बन के फांसी पे चढ़ाओगे मुझे? रहने दो आई, चाहे जैसे भी आपको उस लड़के का नाम पता चला, लेकिन मैं बस ये जानती हूँ कि आप मुझे परेशान करने के लिए कुछ भी कर सकती है। लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता। करुणा, तुम आई से ऐसे बात नहीं कर सकती, सास है तुम्हारी वो। बाला भैया, जब आप अपनी पत्नी को समझना नहीं चाहते, उनकी बात सुनना नहीं चाहते, तो आप उन्हें चिल्लाकर आदेश क्यों दे रहे हैं? और बाला भैया, आपका और उनका रिश्ता चाहे जो भी, मगर दीदी का इस घर से रिश्ता कभी खत्म नहीं होगा। और खत्म होने भी नहीं दूंगी। जिसे चाहे जो करना है कर ले। और हाँ, भीम भाव के आने का जश्न मनाया जाने वाला था ना, तो जश्न तो अब मनाया जाएगा। लेकिन भाभी आप ये नहीं। भीम भाव, ये दिन रोज रोज थोड़ी आते हैं। आनंद भैया, चलिए सब लोग जश्न की तैयारी करते हैं।
ठीक है फिर, मैं खुद ही यहां से चला जाता हूं। तुम सब लोग मनाओ जश्न। रुको बाला, मेरे साथ चलो। कहां चलो तो सही बाबा। बाबा लेकिन बाला भैया को कहां लेके जा रहे हैं? आनंद भैया ले जाने दीजिए बाबा, वो सही कर रहे हैं। बाबा छोड़िए मुझे। अब बता, परीक्षा खत्म होने के बाद भी हम भीमराव को कैसे फेल करा सकते हैं? मालिक पुराने काम के पैसे मिल जाएं तो कुछ आगे बताया जाए। देता हूं। ले ये पूरे रख। अब बता क्या करना चाहिए हमें? मालिक चंदा कीजिए, जितनी भी ऊंची जात के लोग हैं ना सबसे चंदा इकट्ठा कीजिए। चंदा करके इतना पैसा जमा कीजिए कि जहां भीमराव की परीक्षा की कॉपी की जांच हो ना वहां जब शिक्षक के सामने वो पैसे रखे जाएं तो ना कहने का कोई तरीका ही ना बचे, उसका ईमान बिक जाए तब आएगा मजा। तब तक मालिक मैं चलता हूँ, जाकर छुप जाऊंगा और जब बहुत सारा पैसा जमा हो जाए तो आ जाऊंगा आपकी मदद करने। सुमित कमाल का उपाय बता गए। नहीं सुंदर, अति सुंदर। और ऊंची जात के लोगों के लिए ये एक यादगार बात भी हो जाएगी कि भीमराव को ग्रेजुएशन में फेल करने के लिए सबने सबने मिलकर चंदा दिया। सही है नेपाल और शिशुपाल, तुम दोनों मिलकर जितना अधिक से अधिक हो सके चंदा इकट्ठा करो। जी बाबा। जी बाबा। अब देखता हूं मैं ये भीमराव कैसे पास हो पाता है। बाबा बाबा छोड़िए बाबा, मैं कह रहा हूं छोड़ दीजिए मुझे बाबा। बस हर किसी को आकर मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। समझा नहीं रहा हूं, बस कुछ बात कहनी है। जब तुम्हारी आई भीमा भाई हमें छोड़कर चली गई थी तो मैंने यही सोचा था कि मेरे पास बाला है, घर का सबसे बड़ा बेटा। मैं और तुम हम दोनों मिलकर आनंद और भीम को संभाल लेंगे। लेकिन तुम तो घर छोड़कर चले गए, जीवन भर भागते रहे। देखो बेटा, अब घर में ज्यादा लोग रहेंगे तो झगड़ा होगा ही। करुणा सही है या गलत ये अलग मसला है। मैं नहीं जानता कि तुम दोनों के बीच क्या हुआ, और बिना सच जाने किसी निष्कर्ष पर पहुंचना भी गलत है। लेकिन इस तरह घर छोड़कर जाने का या उसके बारे में सोचने का तुम्हें जरा भी हक नहीं है और ना ही होना चाहिए। तुम्हें जो भी करना है ना घर में रहकर करो, मैं मना नहीं करूंगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब मेरी उम्र हो गई है, बूढ़ा हो गया हूं, थक गया हूं।
जब तक जिंदा रहूंगा अस्थाई रूप से मैं तुम सबको अपने आंखों के सामने देखना चाहता हूं, ताकि जब मैं मरूं तो इस संतोष के साथ मरूं कि मेरा बेटा इतना समझदार हो गया है कि वो पूरे परिवार को समझाता है, पूरे परिवार को संभालता है, उनका ख्याल रखता है। देखो बेटा, आज तक मैं तुम्हें अपना बेटा समझकर समझाता रहा, लेकिन आज मैं तुम्हें अपने घर का अभिभावक मानकर समझा रहा हूं। इसके बावजूद भी तुम्हें घर छोड़कर जाना है तो जा सकते हो, रोकूंगा नहीं। अगर नहीं तो चाल में फिर वापस आ जाना। भीमभाव, बिल्कुल मत सोचिए अपने भैया के बारे में। उनका रूठना एक तरफ और आज आपके ये खुशी का दिन एक तरफ। रामजी भाव, आज आपको नाचना ही पड़ेगा, इससे अच्छा दिन और क्या होगा। आ जाओ। क्या कर रहे हैं? छोड़ छोड़ छोड़ो मुझे। तेरा सपना है ना लंदन जाके पढ़ने का, हम देखते हैं कि तू यहां बंबई में भी कैसे पढ़ता है।
बहुत दर्द हो रहा है, मैं पता नहीं कैसे हूँ। मत करो, मत करो, कुछ असर नहीं हो रहा, बहुत दर्द हो रहा है।